माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सबके? हेलो गाइस, क्या हाल चाल? गाइस ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक से ना, इसमें ऊपर सीएस प्रोफेशनल डैश मॉड्यूल 2 कर दे इंस्टेड ऑफ न्यू सिलेबस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो शुरू करें अपने आज का लेक्चर। हेलो हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज सीएस वेब चितलांग, आप सबका स्वागत है सीएसईटी के लॉजिकल रीजनिंग के ब्रांड न्यू लेक्चर में। हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स लेने वाले हैं, जहां पे वी आर गोना डिस्कस छोटे छोटे टॉपिक्स, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स। आज बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग उठाने वाले हैं, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स उठाने वाले हैं, बट ये टॉपिक्स बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग है। तो आओ फटाक से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है? तो 8 जो अपना टॉपिक नंबर 8 है, लॉजिकल सीक्वेंस, आज हम लोग उसके साथ स्टार्ट करने वाले। फिर विल गो ऑन टू इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन, राइट? तो हम लोग सबसे पहले आते हैं टॉपिक नंबर 8 में, जहां पे वी आर गोना टॉक अबाउट लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है? Now, ये लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? सर मैंने 3 लेक्चर नहीं देखा है अभी भी, क्या मुझे पहले 3 लेक्चर देखना है उसके बाद ये देखूं? नहीं नहीं, एकदम भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप ये वाला लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। हम लोग क्योंकि हर बार जब लेक्चर देखते हैं ना, तो एक नया टॉपिक होता है और नया टॉपिक में आपको पुराने वाले का बहुत कम बार ऐसा होता है कि लिंक होगा, तो आज का टॉपिक आप आराम से देख सकते हो। पहले भी अगर स्टार्ट विद आर टॉपिक नंबर 8, जिसका नाम है लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है? ना, लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है? देखो, आपको ना ऐसे कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, 5 ठीक है, 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स कुछ भी दे दिए जाएंगे, एंड ऑल यू हैव टू डू इज पहले आपको खोजना है कि ये जो 5 वर्ड्स है, ये 5 वर्ड्स में एक कॉमन चीज क्या है, मतलब किस चीज से रिलेटेड ये बात करते हैं, एंड देन इसको फिर एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है? आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे यहां पे देखो, आपको दिया गया है डेथ, मैरिज, एजुकेशन, बर्थ एंड फ्यूनरल, ठीक है? नाउ ये डेथ, मैरिज, एजुकेशन, बर्थ और फ्यूनरल है, इन 5 टॉपिक से पहले आपको 5 वर्ड से आपको ये समझना है कि किस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है, क्या चीज कॉमन इनमें, तो आपको समझ में आएगा ये 5 लाइफ के स्टेजेस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बींग के। अब आपको जब समझ में आ गया ये 5 किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बींग के लाइफ के स्टेजेस होते हैं, तो आपको इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है बर्थ, तो हम लोग लिख दिया 4। बर्थ के बाद आता है एजुकेशन, बच्चा कभी भी कोई इंसान पैदा होता है उसके बाद पढ़ाई करता है, तो एजुकेशन आ गया। एजुकेशन के बाद उसकी शादी हो जाती है, तो ना उसके बाद आ जाएगा मैरिज। मैरिज होने के बाद उसका डेथ होता है, तो उसके बाद आ जाएगा डेथ, एंड देन लास्ट में आएगा फ्यूनरल, जहां पे उनका अंतिम यात्रा ले जाया जाता है। तो हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई किया कि ये जो 5 वर्ड्स है, ये वर्ड्स किसको बिलोंग करते हैं, क्या चीज कॉमन है इन वर्ड्स के बीच में, व्हाट इज दैट रेलेवेंट टॉपिक अबाउट दिस, एंड देन वो टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें आपने इसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, ठीक है? तो ये आंसर गलत है, द करेक्ट आंसर इज 4 3 2 1 5, दैट इज ऑप्शन डी। समझ में आया? एकदम इतना सा ही अपने को करना है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, आपको पहले समझना है कि ये जो दिए गए हैं ये क्या चीज से रिलेटेड है, एंड देन उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ गाइस? चलो एक बार ट्राई करना। तो फिर ये वाला, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी एंड जवाहरलाल नेहरू, इन 5 नाम में क्या चीज कॉमन है, व्हाट इज दैट कॉमन फैक्टर दैट कनेक्ट्स ऑल दीज 5 पीपल, What is that common factor that connects all these 5 people? देखो ये 5 कभी ना कभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हुए, ठीक है? तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, इन लोगों को कभी ना कभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर की तरह रखा गया था, ठीक है? अब बस कुछ भी नहीं करना है, इसको एक सीक्वेंस में ऑर्डर कर दो, तो यहाँ पे इस सीक्वेंस में अरेंज कर दो। तो यहाँ पे हमें पता है वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अमंग्स दीस 5, जवाहरलाल नेहरू इन सब में से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है? उसके बाद आए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री के बाद आए थे अपने राजीव गांधी, जो आगे जाके जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद कोई बने थे, एंड देन राजीव गांधी आए थे इन द 1980s। फिर 1990s में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, एंड करेंटली वी हैव नरेंद्र मोदी, राइट? सो द आंसर विल बी 5 3 1 4 2, ऑप्शन बी। सिंपल, इतना सही करना है, राइट? सिंपल है, इजी है। आज मैंने जानबूझ के इजी इजी टॉपिक्स लिए, ताकि अपने ये टॉपिक से थोड़ा सा आपको भी रिलैक्स करने का मौका मिले, जैसे आप लोग हमेशा और पढ़ाते रहते हो वैसा नहीं, आज एकदम रिलैक्स करके अपने को करना है। आइए नेक्स्ट वाला, की, एक्सेलरेट, गियर, इंजन, डोर।
बताओ क्या कॉमन है इन पांचों के बीच में, क्या चीज से रिलेटेड ये पांचों? Yes, ये सारे स्टेप्स होते हैं कार को चलाने के लिए। जब भी आप जाओ किसी गाड़ी को चलाने के लिए तो आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। अब इसे बताओ गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अपने गाड़ी का डोर खोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले आ जाएगा 5। डोर खोलने के बाद गाड़ी में चाबी लगाया जाता है तो उसके बाद आ जाएगा 1। चाबी लगाने के बाद आप इंजन ऑन करते हो तो आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद आप गाड़ी में गियर लगाते हो एंड गियर लगाने के बाद गाड़ी को एक्सेलरेट किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 51432। ये 51432 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये पांचों स्टेप्स होते हैं जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट या चलाने की कोशिश करते हो तो इस ऑर्डर में हमने ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला वेरी 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 इजी, तो बहुत ही इजी है, एक बार जल्दी से देख के बताओ क्या होगा आंसर। क्या चीज से रिलेटेड ये सारे? तो ये एक सीएस स्टूडेंट के अलग अलग एकेडमिक लेवल्स होते हैं। एज अ सीएस स्टूडेंट आप कौन कौन सा लेवल क्रॉस करोगे, एकेडमिक माइलस्टोन्स आपके कौन कौन से आएंगे, ये उन सब से रिलेटेड है। बताओ सबसे पहले क्या आएगा इन सब में? तो सबसे पहले आपने अपना क्लास 10th पार किया, राइट। 10th को पार करने के बाद आपने क्लास 12th को क्रॉस किया। क्लास 12th क्लियर करने के बाद अभी आप सीएसईटी की तैयारी कर रहे हो, आप सीएसईटी क्लियर करोगे। सीएसईटी क्लियर करने के बाद फिर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे एंड फाइनली जब आप प्रोफेशनल क्लियर करोगे तो आप एक सीएस बन जाओगे। तो एक सीएस की जर्नी बताई गई है यहां पे और इसका करेक्ट आंसर विल बी 25413 ऑप्शन बी। इजी, कुछ भी था क्या? एकदम भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा एक क्वेश्चन भी बहुत रिसेंटली आया था, एकदम सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। बताओ देखो, तो ये आपको बेसिकली अलग अलग लेवल्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल बता रहे हैं इन अ कंट्री, राइट। सबसे पहले कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग मिलके बनाते हैं एक विलेज। तो सबसे छोटा होता है विलेज, मतलब आप अगर देखो तो एरिया वाइज ये बनाया गया है, जो दो चार एरिया मिलके बनते हैं उसको बताया गया, राइट। तो सबसे पहले होता है एक छोटा सा विलेज, कुछ विलेजेस मिलके बनाते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो विलेज के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट मिलके बनाते हैं स्टेट, कुछ स्टेट्स मिलके बनाती है कंट्री एंड कुछ कंट्रीज मिलके बनाते हैं कॉन्टिनेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी 21354 ऑप्शन सी। बहुत ही स्मार्ट बच्चे आप लोग, मस्त फटाफट बना पा रहे हो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन इसका कर लो, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो। एप्पल, रैबिट, क्लोथ्स, डोर, टेबल। एप्पल, रैबिट, क्लोथ्स, डोर, टेबल, बताओ क्या है कॉमन इनमें, किस सीक्वेंस में अरेंज करोगे? बताओ पहले, बताओ क्या लॉजिक से आप अरेंज करोगे, मेरे को आंसर्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट द लॉजिक बिहाइंड इट। आंसर्स नहीं चाहिए गाइस, आई वॉन्ट द लॉजिक, टेल मी द लॉजिक बिहाइंड इट।
देखो अगर आप देखोगे तो एप्पल रैबिट क्लोज डोर और टेबल के बीच में कोई सीक्वेंस नहीं, राइट? ऐसा नहीं बोल सकते रैबिट आएगा, डोर खोलेगा, टेबल पे चढ़ेगा, कपड़े पहनेगा एंड एप्पल खाएगा, ऐसा तो नहीं होता, राइट? तो इन सबको अपने को कुछ नहीं, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। कभी भी कुछ भी ऐसा आपको लॉजिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन आए वेर इन देर इज नो लॉजिक बिटवीन देम, देर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, तो आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। सबसे पहले ए फॉर एप्पल, फिर आता है सी फॉर क्लोथ्स, फिर आता है डी फॉर डोर, फिर आता है आर फॉर रैबिट एंड लास्ट में आता है टी फॉर टेबल। 1, 3, 4, 2, 5 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। डन, बस इतना ही अल्फाबेटिकल, सॉरी अपना लॉजिकल सीक्वेंस में, लॉजिकल सीक्वेंस में इतना ही अपने को करना है। अपने को एक बार लॉजिक समझ में आ जाए फिर अपने किसी को भी सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया लॉजिकल सीक्वेंस के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? समझ में आया गाइस लॉजिकल सीक्वेंस के क्वेश्चंस कैसे किया जाता है? चलिए आते हैं अगला में। अगला है टॉपिक नंबर 9, दैट इज इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर। ठीक है, नाउ इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर क्या होता है ध्यान से सुनना, ठीक है? ये भी आपका समवेयर कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड है, बट इसको प्रेजेंट करने का फॉर्म ना थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग जब अभी तक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे ना कि आपको सीक्वेंस दे दिया जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड देन आंसर निकालना पड़ता है, वैसे ही टाइप का कुछ है, बट इसको प्रेजेंट करने का फॉर्म डिफरेंट होता है। अब देखो यहां पर आपको ये 3 सेट ऑफ नंबर्स दिए गए, राइट? 1, 2, 3। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला जाता है, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है एंड ये सेट सी है। सेट ए में कोई एक रूल फॉलो किया जा रहा है इन नंबर्स को लेके, जो सेम रूल सेट बी में भी फॉलो किया जाएगा और सेम रूल सेट सी में भी फॉलो किया जाएगा। आपको ए एंड बी की मदद से पहले वो रूल आइडेंटिफाई करना है एंड देन सी में आपको उसका आंसर देना है। समझ में आया? तो बेसिकली यहां पर आप जो 3 नंबर दिए गए उनको देखो, समझो क्या उसमें एक रूल फॉलो किया जा रहा है, चेक करो कि सेम रूल यहां पे भी फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। जो रूल इन दोनों जगह फॉलो किया जाएगा वही रूल आपको आइडेंटिफाई करना है और यह थर्ड वाले में भी उसको अप्लाई करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले में दिया गया है 62, 28 एंड 9 एंड दूसरे वाले में 18, 52 एंड 7। अब इनके बीच का रूल समझो एंड देन सी वाले में अप्लाई करो। चलो बताओ, ट्राई करो। ट्राई करो, दिमाग लगाओ, ये नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है? 62, 28 और 9 के बीच में क्या रिलेशन है? 18, 52 और 7 के बीच में क्या रिलेशन है? वही रिलेशन आपको फिगर आउट करना है एंड वो रिलेशन फिगर आउट करने के बाद यू हैव टू पुट दैट रिलेशन इन पॉइंट सी। देखो क्या किया गया, हम आपको एक एग्जांपल करके बताते हैं। जो ये पहला नंबर है 62 और ऊपर का दूसरा नंबर है 28, इन दोनों को ऐड करो। 62 प्लस 28 कितना होता है? 62 प्लस 28 कितना होता है? 90। जो भी नंबर आया इन दोनों को ऐड करने से उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दो, आपको ये तीसरा नंबर आ जाएगा। समझ में आया? सो ऊपर वाला नंबर प्लस ऊपर वाला नंबर को ऐड किया और जो भी आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, आपको तीसरा नंबर समझ में आ जाएगा। सेम वे यहां पे भी देखो, 18 प्लस 52 कितना होता है? 18 प्लस 52 इज 70। 70 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 7। तो आपको बेसिकली यहां पे ऐसा नंबर खोजना है जिसको जब हम 32 के साथ ऐड करें और फिर डिवाइडेड बाय 10 करें तो आंसर 16 आना चाहिए। बताओ क्या होगा यहां पे आंसर, क्या होगा यहां पे आंसर? x + 32/10 शुड गिव यू 16। तो x + 32 = 16 × 10, दैट इज 160। x + 32 = 160, तो x विल बी 160 - 32, दैट इज इक्वल टू 128। सो द करेक्ट आंसर विल बी 128। सबको लॉजिक समझ में आया? रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हो? अब आप बोलोगे सर रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या है उसका कोई ट्रिक बता दो? इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, विथ प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा। नंबर्स देख के यू विल बी एबल टू फिगर आउट कौन से कॉमनली यूज तरीके उसको आप यूज करने लग जाओगे, राइट? बट दिस विल कम विथ प्रैक्टिस, पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ सबको? ये समझ में आया कि क्या ट्रिक यूज किया गया या क्या यहाँ पे रिलेशन यूज किया गया? अगर क्लियर हो गया तो चलो यहाँ पे सॉल्व करो।
अब देखो ये सेकंड वाले में अगेन तीन इमेजेस दिए गए आपको, तीन इमेजेस में इस बार पांच नंबर्स का यूज किया गया है। पहला इमेज में आके देखो 65, 33, 25, 25 एंड 32, 32, 9, 15, 6 इज 30, 18, 20, 13, 5, बताओ यहां बीच में कौन सा नंबर आएगा, आपको पता लगाना है यहां थर्ड इमेज में बीच में कौन सा नंबर आएगा। चलो ट्राई टू फिगर आउट सम रिलेशनशिप। बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको क्या लगा था लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से सब उस वो जितना इजी था उतना इजी सब रहेगा क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। चलो प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, बट वी जस्ट हैव टू फिगर आउट, प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। चलो रिलेशन खोजने का ट्राई करो। फिगर करने का ट्राई करो गाइस। थैंक यू। चलो ट्राई करो। Now see, अगर आप ध्यान से देखो तो हम बता रहे कैसे निकालना है। ये वाला एक कपल मानो और ये वाला एक कपल मानो, ठीक है? इन दोनों को ऐड करो तो 65 प्लस 25 विल गिव यू 90। इन दोनों को ऐड करो 33 प्लस 25 विल गिव यू 58। अब दोनों को माइनस कर दो तो आपको बीच वाला आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली राइट साइड वाले दोनों नंबर्स को ऐड करना है, लेफ्ट साइड वाले दोनों नंबर्स को ऐड करना है एंड माइनस करना है तो आपको बीच का नंबर आ जाएगा, ठीक है? 32 प्लस 9 इज 41, ठीक है? 32 प्लस 9 इज 41, 15 प्लस 6 इज 21, सो आपका 41 माइनस 21 विल गिव यू 20। तो सेम वे 18 प्लस 20 इज 38 एंड 13 प्लस 5 इज 18, 38 माइनस 18 क्या होगा बच्चों? 38 माइनस 18 विल बी ऑप्शन 2, 20। समझ में आया सबको? समझ में आया था? आया सबको? सो बेसिकली व्हेन यू ऐड द फर्स्ट राइट साइड एंड देन यू ऐड द लेफ्ट साइड एंड देन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, राइट? तो आपका जो भी आंसर आएगा विल बी द सेंट्रल नंबर। क्लियर हुआ? चलो तब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला देखो, तीन व्हील्स बनाए हुए, पहले वाले में दिया गया है 364 98, दूसरे में दिया गया है 11 16 121 4, तीसरे में है तीसरे में है 10 25 100 डैश, बताओ क्या आंसर होगा? देखो नंबर्स को देखो, कुछ आपको दिखने लगेगा यहां पे सम रिलेशन विच इज वेरी 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 एविडेंट देखने के साथ ही। रिलेशन बताओ बाबू, ऐसे आंसर देने से नहीं होगा, क्या होगा आंसर? रिलेशन बताओ। करेक्ट। तो सी, ऊपर जो नंबर लिखा गया है उसके ऑपोजिट में उसका स्क्वायर है एंड राइट में जो नंबर लिखा गया है उसके ऑपोजिट में उसका स्क्वायर है। सेम वे ऊपर में जो नंबर लिखा गया है नीचे में उसका स्क्वायर है उसके ऑपोजिट, राइट में जो नंबर लिखा गया है उसका स्क्वायर उसके ऑपोजिट में। इधर देख लो, 10 लिखा गया है, 10 का स्क्वायर यहां दिया गया है, तो आपको ऐसा नंबर बताना है जिसका स्क्वायर इज 25। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 25, सॉरी ऑप्शन ए 5, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 5। क्लियर हुआ गाइस?
चलो ये वाला करो, 12, 5, 4, 3, 15, 8, 7, 6, 17, 9, 9, 7. पहले वाले में बीच में 33 है, दूसरे वाले में बीच में 57 है, तो तीसरे वाले बीच में क्या आना चाहिए? बताओ क्या आना चाहिए? क्या होगा लॉजिक बताओ? करेक्ट, ऑपोजिट्स को ऐड नहीं करना है, आपको ऑपोजिट्स को मल्टीप्लाई करना है. सी 12 एंड 4, सो 12 इंटू 4 इज 36, ठीक है. 3 एंड 5, 3 इंटू 5 इज 15, 36 माइनस 15, सॉरी 12 इंटू 4 इज 48, माई रॉन्ग, माई बैड, 12 इंटू 4 इज 48 एंड 3 इंटू 5 इज 15. दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 33 मिल जाएगा. सेम वे 15 इंटू 7 इज 105 and 6 into 8 is 48. 6105 minus 48 will give you 57. तो यहाँ पे आ जाओ, 17 into 9 is 153 और 7 into 9 is 63. 153 minus 63 will give you 90. तो आपको ऊपर और नीचे जो opposite pairs है उनको multiply करना है and then एक दूसरे से subtract कर देना, जो भी answer आएगा आपको center वाला answer आ जाएगा. समझ में आया guys? समझ में आया guys? बोलो, क्लियर हुआ गाइस? वेरी गुड. चलो ये वाला सॉल्व करो. ऊपर में जीरो है, यहां पे डैश दिया गया है, नीचे में 100 है और यहां पे 225 दिया गया है. बताओ आंसर क्या होगा? जीरो डैश 100 225, क्या होगा आंसर डैश के? चलो इसको एक बार ऐसे लिखने का ट्राई करना, ये हम आपको हिंट दे रहे हैं. हाँ, अब सी इफ यू कैन फिगर आउट समथिंग. केवल आंसर तुक्का में मत मानना, रूल बताना मेरे को क्या होगा. करेक्ट, तो सी इसको हम जीरो लिख सकते हैं, 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 225 को हम 15 स्क्वायर लिख सकते हैं. तो बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप +5 +5 करते जाओ और स्क्वायर करते जाओ, राइट. तो 0 प्लस 5 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25,
5 + 5 = 10, 10 का स्क्वायर इज 100, एंड 10 + 5 = 15, 15 का स्क्वायर इज 225. तो हमने पहले +5 + 5 कर दिया एंड देन सबको स्क्वायर कर दिया. तो ये 0 का स्क्वायर इज 0, 5 का स्क्वायर इज 25, 10 का स्क्वायर इज 100, एंड 15 का स्क्वायर इज 225. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 25. समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पे देखो आपको क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं. जहां पे एक टेबल दिया जाता है ना उसको अपने मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है. नाउ मैट्रिक्स में आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई रूल्स वर्टिकल जो आपके रोज दिए गए उसके हिसाब से. ये रो वन है, ये रो टू है, रो थ्री है और रो फोर है. पहले फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो का रूल को आइडेंटिफाई करो एंड सेम रूल को फोर्थ रो पे लगा के आंसर निकालो. बताओ क्या होगा आंसर? रूल्स आइडेंटिफाई करो. ट्राई करो होगा गाइस, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इजीली होगा. थोड़ा सा बस एक चीज आपको पकड़ना है. देखो पहला नंबर एंड थर्ड नंबर को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आपको सेकंड नंबर आ जाएगा. तो 17 + 15 = 32, 32 by 2 = 16. सेम वे 52 + 26, तो 52 + 26 डिवाइडेड बाय 2 करना है. तो 52 + 76 विल बी 78 डिवाइडेड बाय 2 इज 39. 29 + 59, तो 29 + 59 / 2, 29 + 59 कितना होता है 88 / 2 = 44. तो बताओ 37 + 45 / 2 कितना होगा? तो 37 + 45 = 82, 82 / 2 = 41. So the correct answer will be 41. समझ रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को एड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा. क्लियर हुआ गाइज? क्लियर हुआ गाइज? वेरी 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 गुड. चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक का जिसका नाम है इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर. यहां पे भी आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको फर्स्ट रो एंड थर्ड रो का आइडेंटिफाई करना है क्या है रूल एंड उसको सेकंड रो पे अप्लाई करना है. लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग गाइस. जिसका भी आंसर सबसे पहले मेरे को आता है विद लॉजिक, वापस से बोल रहे, जो भी बंदा मेरे को सबसे पहले आंसर बताएगा विद लॉजिक आपको एक कैश रिवॉर्ड मिलेगा मेरी तरफ से. जो भी बंदा एकदम सही आंसर बताता है मेरे को लॉजिक के साथ आपको कैश रिवॉर्ड मिलेगा मेरी तरफ से. बताओ यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? केवल आंसर देने से नहीं होगा, यू विल हैव टू गिव मी द लॉजिक आल्सो. जिसका सबसे पहले करेक्ट आंसर एंड लॉजिक दोनों आया उसको कैश रिवॉर्ड मिलेगा. There should be a rule जो आपका फर्स्ट रो में भी फॉलो हो रहा है, थर्ड रो में भी फॉलो हो रहा है. जितने लोग वॉवल वॉवल बोल रहे हो, थर्ड रो में कौन सा वॉवल है?
कोई देता है, इट हैज नथिंग टू डू विद वॉवल्स। चलो ये भी हम आपको बता दिए, इट हैज नथिंग टू डू विद वॉवल्स। लेट्स सी विच ऑफ यू आंसर्स सबसे पहले अलोंग विद द लॉजिक। और हम आपको लॉजिक देने क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये तीन ही ऑप्शंस है, हो सकता है इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी सही नहीं हो, हो सकता है पहला ऑप्शन सही हो। ओके सो वी हैव अ करेक्ट आंसर निधि अग्रवाल, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर अलोंग विद द लॉजिक। सो प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आई एम गोइंग टू सेंड यू द कैश रिवॉर्ड, छोटा सा रिवॉर्ड है बट आई सेंड इट टू यू, ठीक है, आफ्टर द लेक्चर। पहले अपने यहां पे या फिर अभी भेज दो, सेंड मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप, आई सेंड यू द कैश रिवॉर्ड राइट नाउ, ठीक है। लॉजिक क्या है ये समझो, ई e कौन से लेटर पोजीशन पे आता है, ई कम्स ऑन द फिफ्थ पोजीशन, ओ आता है 15th पे और वाई आता है 25th पे, वी आता है आपका ऑन 22nd, ठीक है, एल आता है 12th एंड बी आता है 2nd में, ए इज द फर्स्ट लेटर, यू इज द 21st लेटर। सो बेसिकली हर लेटर के बीच में 10-10 का गैप है, तो अगर ये फर्स्ट है और इसके बाद 21st आने वाला, तो यहां पर 11th लेटर आना चाहिए। व्हाट इज द 11th लेटर, द 11th लेटर इज के, सो द करेक्ट आंसर इज के। निधि बिग क्लैप्स फॉर यू बिकॉज आपने सबसे पहले सही आंसर बताया अलॉन्ग विद द लॉजिक। तो जल्दी से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो एंड यू विल गेट योर कैश रिवॉर्ड राइट नाउ। ओके आई गॉट निधि का नंबर एंड यही नंबर आपका गूगल पे है ना, व्हाई डू यू नॉट वांट द कैश रिवॉर्ड। अरे इट्स फाइन निधि, यू कैन टेक इट एज गुरु दक्षिणा, इट्स फाइन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, यू ऑलवेज हैव माय विशेस अलोंग विद यू एंड इट्स नॉट अ लॉट ऑफ अमाउंट सो इट्स फाइन। एंड इट्स डन, ठीक है, चलिए इसी साथ हमारा सेकंड टॉपिक आज का कंप्लीट होता है, जो कि बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर का। अब हम लोग अपना तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले। निधि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, आप गुरु दक्षिणा मान के या यू नो जस्ट टेक इट एज माय ब्लेसिंग ओनली, यू एनीवे हैव ऑल माय ब्लेसिंग्स, बट आपने बिकॉज आंसर दिया था इट वॉज अ गेम एंड वो गेम को आपने जीता सो यू डिजर्व अ रिवॉर्ड राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिल चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन अ वेरी 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 मजेदार टॉपिक, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। दो मिनट के लिए गाइस ब्रेक लो, दो मिनट थोड़ा सिंक इन होने दो, दो टॉपिक्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, जस्ट टेक अ ब्रेक एंड देन वील स्टार्ट इन टू मिनट्स, ठीक है। 6:58 हो रहा है अभी, वील स्टार्ट एट एग्जैक्ट 7 o'clock, ठीक है। ये दोनों टॉपिक समझ में आए गाइज, इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर एंड जो हमारा पहला टॉपिक आज हम लोग ने किया था लॉजिकल सीक्वेंस, ये दोनों टॉपिक समझ में आए तो हम लोग अभी अपना अगला टॉपिक करेंगे जो है क्लासिफिकेशन। हाँ देखो क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है ना जहां पे आपका लॉजिक तो टेस्ट हो गई होगा, एट द सेम टाइम आपका थोड़ा जीके भी टेस्ट हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पे हो जिनको क्या बोलते हैं जीके लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आपका पूरा जीके टेस्ट हो जाएगा, आप लोग रोज क्या पढ़ाई कर रहे हो वो भी मेरे को समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, इट इज नथिंग बट ऑड वन आउट, ठीक है। आपको ऐसे पांच या चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे,
आपको इन चारों पांचों ऑप्शंस में अगेन एक कॉमनैलिटी खोजनी है. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनमें कुछ कॉमन होगा एंड एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ऑड वन आउट होगा. ठीक है, जैसे सामने देखो आपको पांच नाम दिख रहा है, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, आर वेंकटरमन, राजीव गांधी एंड पीवी नरसिम्हा राव. अब इनमें से चार ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनमें कुछ कॉमन होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ऑड वन आउट होगा. यू हैव टू सिलेक्ट दैट ऑड वन आउट ऑप्शन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी एंड पीवी नरसिम्हा राव, इन चारों में कॉमनैलिटी क्या है कि ये चारों इंडिया के कभी ना कभी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. बट आर वेंकटरमन हैज नेवर बीन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट, वो कभी भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हुए, वो कभी प्रेसिडेंट रह चुके इंडिया के पहले, बट ही हैज नेवर बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर ऑड वन आउट हो गए. तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको तीन चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उन तीनों चारों ऑप्शन में से यू हैव टू फिगर आउट एन ऑप्शन विच इज द ऑड वन आउट, विच मीन्स बाकी ऑप्शन में कुछ कॉमन होगा जो इस ऑप्शन में नहीं होगा, आपको वही आइडेंटिफाई करना है. समझ में आया गाइस? समझ में आया गाइस? चलो तो बताओ पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ गाइस? महिमा इसमें क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको? व्हाट इज डिफिकल्ट इन दिस? मतलब आज के लेक्चर में तो ऑनेस्टली हम लोगों ने कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक लिया ही नहीं. आज हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स लिए सारे के सारे टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली इजी. मतलब अगर लॉजिकल रीजनिंग में कुछ इजी हो सकता है तो यही टॉपिक्स है. राइट, हाँ अगर आपको ये लग रहा है कि इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर में मेरा दिमाग ही नहीं चला, शिट ऐसा भी हो सकता है, भाई पहली बार आपने इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर करना स्टार्ट किया है, यहीं पर अगर आपका आंसर सट सट बनने लग जाए तो ये बताओ ना फिर मेरा क्या काम रहेगा, फिर आप ये क्लास लगाई क्यों रहे हो, है ना. हाँ, जीके अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो उसका ये हम विशिष्टा मैम को बुला सकते हैं, यू कैन टॉक टू हर. बट अब अगर आपका जीके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो नोबडी कैन हेल्प इट, वो आपके किस्मत पे बेस डिपेंड करता है कि आपको उतना जीके आता था कि नहीं आता था. ठीक है, चलो जीके भी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा. जैसे देखो ये नंबर्स के खेल में कुछ जीके नहीं होता, यू हैव टू फिगर आउट अ पैटर्न. 64, 625, 1900. अब इनमें से तीन लोग कॉमन है, एक कोई ऑड वन आउट है, बताओ क्या ऑड वन आउट होगा? केवल ना बताना मत मेरे को नंबर, टेल मी द लॉजिक ऑल्सो. आदित्य अगेन टेल मी द लॉजिक ऑल्सो, केवल आंसर देने से नहीं चलेगा. ए रेस्ट आर मल्टीपल्स ऑफ फाइव, गुड लॉजिक बट नॉट वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर. अच्छा ऑड वन आउट में ना आई टेल यू वेरी सिंपल, हम भी जब एग्जाम दे रहे थे अपना एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे 2015 में, तब ऐसे ही क्वेश्चन आया था एंड चार ऑप्शन थे. ठीक है, क्लैट के एग्जाम में वो ऑप्शन ऐसे थे कि उन चारों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के सही रहेगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे चार अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं चार अलग अलग लॉजिक लगा के. तो इन दैट केस आपको ऐसा लॉजिक खोजना है जो लॉजिक सबसे स्ट्रांग हो, या ऐसा लॉजिक जो हम खोज रहे हैं. ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता आप क्या खोज रहे हो, थोड़ा अनफेयर है बट ऐसे ही होता है. एग्जाम में भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया, एग्जामिनर ने जो लॉजिक लगा के क्वेश्चन बनाया वही सही आंसर माना जाएगा, उसके अलावा कोई आंसर सही माना नहीं जाएगा. तो यहां पे जब आपने बोला कि ए विल बी द आंसर बिकॉज बी सी एंड डी ये तीनों फाइव के मल्टीपल्स है, दैट्स अ गुड लॉजिक बट दैट इज नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, हम वो नहीं खोज रहे थे. तो हम क्या खोज रहे थे? करेक्ट, द आंसर विल बी ऑप्शन सी बिकॉज सी इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. 64 is 8 square, 625 is 25 square and 900 is 30 square, right? But 1000 किसी का square नहीं होता है, so the correct answer will be option C. Right? चलो आ जाओ next में, sparrow, eagle, penguin, hawk. ये चार birds के नाम हैं. अब बताओ इनमें से odd one out कौन सा है? स्पैरो, ईगल, पेंगुइन, हॉक. वाह वाह वाह, वेरी नाइस. तो सी स्पैरो, ईगल एंड हॉक,
ये तीनों फ्लाई कर सकती है, बट पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, पेंगुइन फ्लाई नहीं कर पाती है, एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी पेंगुइन, बिकॉज इट्स अ फ्लाइटलेस बर्ड, वो फ्लाई नहीं कर पाते, बाकी तीनों फ्लाई कर पाते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, सी एस ईटी, एग्जीक्यूटिव, इंटरमीडिएट एंड प्रोफेशनल। बताओ इन तीनों में से ऑड वन आउट कौन सा होगा? तो सी ईटी, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, ये तीनों सीएस कोर्स के लेवल्स है, ये तीनों लेवल सीएस कोर्स में आते हैं, इंटरमीडिएट सीएस कोर्स का लेवल नहीं है, वो आपके सीए और सीएमए कोर्स का लेवल है। सो द ऑड वन आउट अगेन इज ऑप्शन सी इंटरमीडिएट, बाकी तीनों सीएस के लेवल्स होते हैं, है ना। चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहां पे गलत आंसर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पेरिस, कुवैत। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पेरिस, कुवैत। रीजन रीजन के साथ। वेरी गुड, राइट। सी ऑस्ट्रेलिया एक देश है, इंडिया एक देश है, एंड बिलीव मी ऑर नॉट कुवैत भी एक देश है। कुवैत आपका मिडिल ईस्ट में एक देश आता है, यूएई का पार्ट होता है। सो ऑल दीज थ्री आर कंट्रीज, बट पेरिस इज नॉट अ कंट्री, पेरिस इज अ सिटी, ये जिस कंट्री में आता है उसका नाम है फ्रांस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी पेरिस, बिकॉज पेरिस इज अ सिटी, अदर थ्री आर कंट्रीज। मोनिका बी कहां से आया ये बताना जरा, पेरिस के जगह इंडिया कहां से आंसर दे रहे हो, इंडिया का आंसर देने का क्या लॉजिक है? हो सकता है कोई लॉजिक होगा जो मेरे को नहीं समझ में आया, व्हाट इज द लॉजिक इंडिया आंसर देने का? चलो आओ नेक्स्ट, स्टमक, किडनी, इंटेस्टीन, माउथ। यस, इट इज कॉल्ड इंटेस्टीन एंड नॉट इंटेस्टाइन। स्टमक, किडनी, इंटेस्टीन एंड माउथ। Who signed? करवा दी तेरा काम, खुश? थैंक यू। चलो ओके, सी यहां पे एक क्वेश्चन जो बच्चे काफी, एक आंसर जो बच्चे काफी फ्रीक्वेंटली बोलते हैं इज माउथ, बिकॉज माउथ इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन एंड बाकी तीनों इंटरनल है, दैट इज रॉन्ग। माउथ इज नॉट एन एक्सटर्नल ऑर्गन, लिप्स आर द एक्सटर्नल ऑर्गन, माउथ अंदर ही होता है, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी किडनी, व्हाई? बिकॉज स्टमक
इंटेस्टीन एंड माउथ, ये तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, बट किडनी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, किडनी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है, एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन द ऑड वन आउट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी किडनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्रो, आउल, बैट एंड ईगल, क्रो, आउल, बैट एंड ईगल, फाइंड द ऑड वन आउट। अब यहां कुछ लोग जो बोलेंगे आउल क्योंकि वो रात में जागता है, तो भाई बैट भी रात में ही देख पाता है, तो यहां पे द करेक्ट आंसर जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बोल चुके हैं ऑलरेडी इज बैट। व्हाई? क्रो, आउल एंड ईगल, ये तीनों बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स मतलब ये तीनों ओविपेरस होते हैं, तीनों एग्स ले करते हैं, बट बैट इज अ मैमल, बैट एग ले नहीं करता, बैट इंसानों की तरह ही डायरेक्टली बच्चे को जन्म देता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बैट, बिकॉज बैट इज अ मैमल, बाकी तीनों आपके बर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता था इट्स ओके, आपको अब हम बता दिए, अब आपको याद रहेगा, है ना, मैमल मतलब वो बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं। आइए नेक्स्ट, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, यहां पे बहुत अलग अलग लॉजिक्स लग सकते हैं, जिसको लगा के आप चारों ही आंसर सही आंसर बोल सकते हो, बट आई वॉन्ट टू हियर द आंसर दैट आई एम लुकिंग फॉर। अच्छा, ए इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, तो ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी क्या, या लालू प्रसाद यादव बन चुके? आप बोलोगे नरेंद्र मोदी, बिकॉज ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, बाकी तीनों नहीं रहे, इतना इजी थोड़ी देंगे हम आपको। नरेंद्र मोदी बिकॉज बाकी सब मिनिस्टर है। अच्छा, और नरेंद्र मोदी क्या है फिर? बताओ लॉजिक, बताओ लॉजिक, लॉजिक वो वाला लॉजिक जो हम सुनना चाह रहे हैं। ए इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, कुछ भी अदर्स आर कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैबिनेट ओनली बाय द वे। ठीक है, सुनो, पीयूष गोयल कैन बी अ करेक्ट आंसर, वाई? बिकॉज नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी एंड लालू प्रसाद यादव, ये तीनों किसी ना किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है, एंड लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके, राइट? तो पीयूष गोयल इज एन एक्सेप्टेबल आंसर अगर आप मेरे को ये वाला लॉजिक बताते तो। ठीक है, दूसरा आंसर जो एक्चुअली हम खोज रहे थे वॉज नरेंद्र मोदी ओनली, ऑप्शन बी, बट आपने जो लॉजिक दिया वो लॉजिक्स नहीं। द लॉजिक बिहाइंड नरेंद्र मोदी वुड बी पीयूष गोयल, ममता बनर्जी एंड लालू प्रसाद यादव, ये तीनों लोग किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। पीयूष गोयल ने भी रेलवे का कैबिनेट संभाला था, आपके ममता बनर्जी ने भी पहले रेलवे मिनिस्टर का कैबिनेट संभाला था, और लालू प्रसाद यादव ने भी रेलवे मिनिस्ट्री संभाली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी हैज नेवर बीन अ रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर द ऑड वन आउट अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक विल बी नरेंद्र मोदी। ठीक है, ममता बनर्जी को भी आप ऑड वन आउट बोल सकते थे बिकॉज शी इज द ओनली फीमेल इन द लिस्ट, या शी इज द ओनली सिटिंग चीफ मिनिस्टर राइट नाउ। लालू प्रसाद यादव कैन बी इन द लिस्ट बिकॉज ही इज द ओनली चीफ मिनिस्टर, या ही इज द ओनली वन अमंग द फोर हु हैज बीन सेंट टू जेल, राइट? तो कुछ भी हो सकता था, बट हम बेसिकली ये दो लॉजिक्स खोज रहे थे। लॉजिक समझ में आया सबको? चलो
नेक्स्ट ग्रीन येलो ब्लू एंड रेड फाइंड द ऑड वन आउट ग्रीन येलो ब्लू एंड रेड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आपके हिसाब से जो सही आंसर लिखना होगा आप वो लिख के आओगे बिकॉज यू कैन नेवर नो कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन या क्या आंसर चाह रहा था राइट तो भगवान का नाम लेना और आपको जो आंसर सही लगता है वो आंसर लिख के आना उसके लिए अच्छी वैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बट अगर मान लो आप ही गए तो द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज आपके हिसाब से जो सही आंसर है वो आंसर लिख के आओ फिर अपने देखते हैं कि आगे क्या होगा अच्छा ब्लू बिकॉज रेस्ट आर कलर्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल नाउ सम पीपल वुड आर्ग्यू बिकॉज कई लोग ब्लू ऑरेंज एंड रेड भी बोलते हैं सो नो ट्रैफिक सिग्नल इज नॉट द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ कलर आपका येलो ब्लू एंड रेड ये तीनों प्राइमरी कलर्स है लेकिन ग्रीन इज अ सेकेंडरी कलर नाउ व्हाट आर प्राइमरी कलर्स प्राइमरी कलर्स आर दोस कलर्स जो किसी भी कलर को मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता है आप कोई भी दो कलर को मिक्स करके येलो नहीं बना सकते हो आप कोई भी दो कलर को मिक्स करके रेड नहीं बना सकते हो और आप कोई भी दो कलर्स को मिक्स करके ब्लू नहीं बना सकते हो बट ग्रीन बनता है दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके जब आप येलो और ब्लू को मिक्स करो तो आपको ग्रीन मिल जाएगा तो वहां पे यहां पे ग्रीन विल बी एन ऑड वन आउट बिकॉज ग्रीन इज अ सेकेंडरी कलर वेयर इन रेड येलो ब्लू आर प्राइमरी कलर्स B yellow because it does not exist in flag which flag chalo now next history bio sociology geography find the odd one out History, Bio, Sociology, Geography. Find the odd one out. बहुत ही सिंपल सा है Yes, the correct answer will be Bio. Why? Because History, Sociology and Geography. ये तीनों social sciences होते हैं Social sciences मतलब ये तीनों arts के subjects होते हैं But Bio is a pure science subject. वो art नहीं है And therefore, the correct answer will be Biology. समझ में आया? और आ जाओ last question में Niece, Nephew, Brother and Uncle. What will be the odd one out? Niece, nephew, brother and uncle. Fakester. Document forgery. No, अंकल बाकी सब कजन है अच्छा नीस एंड नेफ्यू कजन होते हैं अपने द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए नीस वाई बिकॉज नेफ्यू ब्रदर एंड अंकल ये तीनों मेल रिलेटिव होते हैं एंड नीस इज द ओनली फीमेल रिलेटिव अंकल नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप फैमिली ट्री देखो तो अंकल आते हैं पापा मम्मी के जनरेशन में ब्रदर आता है आपके जनरेशन में एंड नीस एंड नेफ्यू आता है आपके नीचे वाले जनरेशन में नीस कौन हुआ आपकी भांजी या भतीजी और नेफ्यू कौन हुआ आपका भांजा या भतीजा राइट तो ये तीनों तीन अलग अलग जनरेशन में आते हैं तो जनरेशन की वजह से इनका कोई ऑड वन आउट नहीं हो सकता ऑड वन आउट यहाँ पे नीस ही होगा बिकॉज नीस इज द ओनली फीमेल रिलेटिव अदर्स आर आवर मेल रिलेटिव्स क्लियर हुआ तो इसी के साथ हमारा तीसरा टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन भी यहीं पे खत्म होता है क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट ऑड वन आउट जहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं एंड यू हैव टू फाइंड दी ऑड वन आउट ऑप्शन क्लियर हुआ गाइस क्लियर हुआ तो अगर हम अपना इंडेक्स देखें तो इंडेक्स में 8 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 5 हम लोगों ने पहले ही कर लिया था और आज हम लोगों ने छोटे छोटे टॉपिक्स मिला के 3 टॉपिक्स और कंप्लीट कर लिए चलेगा सबको 8 नहीं 7 टॉपिक्स हो चुके 4 पहले हो गए थे और 3 अभी हुए अच्छा चलेगा सबको एक और टॉपिक लिया जाए आज या यहीं रुक जाना है बताओ जैसा आप लोग बोलोगे एक और टॉपिक लेके ऐसे ही छोटा सा टॉपिक या फिर आज ही रुक जाए
बोलो वन मोर टॉपिक। चलिए तो एक और टॉपिक जो हम लोग आज लेंगे वो है टॉपिक नंबर 4 एनालॉजी। बहुत मजा आ रहा है ना सबको, बढ़िया, इसमें भी बहुत मजा आएगा। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, तो अपने वो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए आई विल गिव यू क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट मेरे पास है, आई विल गिव इट टू यू। मेरे को बस वो अपने लैपटॉप से फोन पे लेना होगा ताकि आई कैन शेयर इट टू यू ऑन व्हाट्सएप। तो मेरे को थोड़ा टाइम दो, वो लेके दे देंगे, उसे बहुत क्वेश्चंस है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अभी जब तक आपको वो नहीं मिलता, यू कैन प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक। उसके बाद आप गूगल पे जाओ और गूगल पे टॉपिक का नाम सर्च करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालो, आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल वाले होंगे, वो नहीं बने तो उसमें टेंशन भी मत लेना, बट अपने लेवल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक जो आज हम लोग देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब होता है सेम टू सेम, ठीक है। अभी होता क्या है, देखो आपको ऐसे चार वर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो चार वर्ड्स में पहले और दूसरे वर्ड के बीच में एक कोलन है, तीसरे एंड चौथे वर्ड के बीच में एक कोलन है, एंड इन सेकेंड एंड थर्ड वर्ड के बीच में दो कोलन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड जो है इनके बीच में देयर इज अ रिलेशन, जो सेम रिलेशन आपके थर्ड एंड फोर्थ वर्ड के बीच में है। आपको क्या किया जाएगा, इन चार वर्ड्स में से कोई एक वर्ड नहीं दिया जाएगा, आपको यहां का रिलेशन खोजना है और यहां पे फिल आउट करना है। सो मान लो अगर मैंने आपको दिया डे इज टू सन इज एनालॉगस टू नाइट इज टू डैश, मून नहीं दिया मैंने आपको, राइट। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है डे और सन के बीच का रिलेशनशिप क्या है, मतलब डे टाइम पे सन दिखता है तो भाई नाइट टाइम पे कौन दिखेगा, दैट विल बी योर आंसर। समझ में आया सबको, समझ में आया? So, आपको पहले दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन खोजना है एंड यू हैव टू अप्लाई दैट रिलेशन इन द थर्ड एंड फोर्थ वर्ड एंड देन फिल इन द गिवन फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, आई इज टू सी इज एनालॉगस टू ईयर इज टू व्हाट, तो जो रिलेशनशिप आई और सी के बीच में है वही रिलेशनशिप ईयर और किसके बीच में होगा। अब आई और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आई हेल्प्स यू टू सी, तो सेम वे ईयर हेल्प्स यू टू Here. So the correct answer will be here. समझ में आया, इतना सही है। मतलब पहले दो वर्ड्स के बीच में जो रिलेशन है सेम रिलेशनशिप खोजो और उसको थर्ड एंड फोर्थ वर्ड के बीच में लगा लो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया सबको? चलो तो ये वाला क्वेश्चन करना फिर, Samsung is to mobile is analogous to Maruti is to what? Samsung is to mobile is analogous to Maruti is to what? सैमसंग और मोबाइल के बीच में क्या रिलेशनशिप है? थैंक यू कर्मा कार, सिंपल। सैमसंग मोबाइल्स बनाता है और मारुति कार्स बनाती है, सो सिंपल आंसर। समझ आया? वेरी इजी आंसर, राइट। आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और आंसर देना है। चलो, डे इज टू वीक इज एनालॉगस टू वीक इज टू व्हाट? डे और वीक के बीच में क्या संबंध है और वही संबंध वीक और किसके बीच में होगा? करेक्ट, कुछ दो डेज मिलके वीक बनाते हैं, सेम वे कुछ वीक्स मिलके क्या बनाने वाले हैं, तो कुछ वीक्स मिलके आपका मंथ बनाते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मंथ। सिंपल। चलो अब इधर आओ, थोड़ा सा अपने हाई लेवल जाते हैं। स्टेथोस्कोप इज टू हार्ट रेट इज एनालॉगस टू डैश इज टू टेम्परेचर। अब यहां पे देखो डैश पहले आया है, तो बेसिकली स्टेथोस्कोप और हार्ट रेट के बीच का जो रिलेशन है डैश और टेम्परेचर के बीच का, वही रिलेशनशिप आना चाहिए। बताओ स्टेथोस्कोप और हार्ट रेट के बीच का क्या रिलेशनशिप है? स्टेथोस्कोप और हार्ट रेट के बीच का क्या रिलेशनशिप है? तो स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हार्ट रेट नापने के काम आता है, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर नापने के काम आता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है टेम्पोमीटर, तो देयर इज नथिंग नोन एज टेम्पोमीटर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। थर्मोमीटर होता है, बीमार पड़ते हो तो मम्मी क्या चीज से आपका टेम्परेचर नापती है, थर्मोमीटर से ना, तो थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी थर्मोमीटर एंड नॉट टेम्पोमीटर। टेम्पोमीटर कोई वर्ड नहीं होता, वो हम ऐसे ही डाल दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना।
चलो नेक्स्ट, कथक इज टू डैश इज एनालॉगस टू हिस्ट्री इज टू सब्जेक्ट। कथक और डैश के बीच में आपको रिलेशनशिप बता, कथक और डैश आपको खोजना है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप जो आपके हिस्ट्री और सब्जेक्ट के बीच में है। वो किरण को दे दे, थैंक यू। बताओ तो जैसे हिस्ट्री इज अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट, सेम वे कथक इज अ टाइप ऑफ डांस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, कथक इज अ टाइप ऑफ डांस, है ना। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे हमने क्या किया, आपको फर्स्ट टू वर्ड्स दे दिया गया है, आपको ये फर्स्ट टू वर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप खोजना है एंड वो रिलेशनशिप इनमें से किस ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है वो आइडेंटिफाई करना है। तो प्लमर इज टू पाइप्स इज एनालॉगस टू व्हाट। अब नीचे आपको चार दिया गया ऑप्शंस, चारों में से कौन से दो वर्ड्स ऐसे हैं, चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनके वर्ड्स के बीच में सेम रिलेशनशिप है जो प्लमर और पाइप्स के बीच में होता है। बताओ तो प्लमर और बीच के पाइप्स के बीच का क्या रिलेशनशिप है, प्लमर जो काम करता है वो पाइप से रिलेटेड होता है। अब सेम वे क्या टीचर्स लैपटॉप से रिलेटेड काम करते हैं, नहीं, टीचर्स लैपटॉप बनाने का काम थोड़ी करते हैं। कारपेंटर बल्ब बनाने का काम करता है क्या, नहीं। इंजीनियर्स फ्रूट बेचने का काम करता है क्या, मतलब लॉजिकली नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी मैकेनिक्स कार, जो आपका मैकेनिक होता है वो कार से रिलेटेड काम करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस, क्लियर सिंपल। चलो नेक्स्ट, नेस्ट इज टू बर्ड्स इज एनालॉगस टू डैश इज टू एस्किमोस। इसको हम चेंज कर रहे हैं, पहले गलत लिखा हुआ था। नेस्ट इज टू बर्ड्स इज एनालॉगस टू डैश इज टू एस्किमोस। अब पहले नेस्ट और बर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप निकालो, फिर वही रिलेशनशिप एस्किमोस और आंसर का निकलेगा। अच्छा एस्किमोस कौन होते हैं, किनको एस्किमोस बुलाया जाता है, तो वो लोग जो बहुत ठंडे वाले आर्कटिक रीजन में रहते हैं उनको अपने एस्किमोस बुलाते हैं। अब देखो बर्ड्स जो है वो कहां रहती है, नेस्ट्स में, तो सेम वे एस्किमोस कहां रहते हैं ये आपको पता करना है। और एस्किमोस रहते हैं इग्लूज में। इग्लूज क्या होता है आपने देखा होगा, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है बर्फ का, बर्फ के उससे जहां पे यहाँ पे विंडो रहता है, मूवीज इसमें भी देखा होगा कई सारे कार्टून्स में भी। तो ये बहुत ठंड के जगह में बनाया जाता है, बर्फ से बनाया जाता है ताकि अंदर गर्मी रहे, तो उसको बोला जाता है इग्लू, क्लियर। तो एस्किमोस जो होते हैं वो इग्लूज में रहते हैं, समझा सबको। चलाओ नेक्स्ट, पीकॉक इज टू इंडिया इज एनालॉगस टू ईमू इज टू व्हाट। पीकॉक इज टू इंडिया इज एनालॉगस टू ईमू इज टू व्हाट। पीकॉक और इंडिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यहां पे भी थोड़ा सा जीके हम लोग ले आए बीच में। पीकॉक और इंडिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सेम रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना है ईमू और कंट्री के बीच में। ना देखो पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप रिलेशनशिप खोजना चाहो तो पीकॉक जो होता है वो भारत का नेशनल बर्ड होता है, एंड देयरफॉर ईमू कहां का नेशनल बर्ड है आपको ये खोजना पड़ेगा। ईमू इज द नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब सर मेरे को तो पता ही नहीं था कि ईमू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है। अब अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपको अपने जीके टीचर से बात करना पड़ेगा। बट आपको आंसर कैसे निकालना है ये हम आपको बता दें, ठीक है, क्लियर। सो जैसे पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है, ईमू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन है वो आता है इस तरह का। यहां हमने क्या किया, फर्स्ट वाले पैर में सेकेंड वाला आपको वर्ड दे दिया है और सेकेंड वाले पैर में फर्स्ट वाला वर्ड दे दिया है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। अब देखो सेकेंड वर्ड जो है उसमें हिंदुइज्म है, मतलब इस पैर में सेकेंड वर्ड जो होगा वो रिलीजन होगा, बिकॉज हिंदुइज्म इज अ रिलीजन, ठीक है। एंड जो सेकेंड पैर में फर्स्ट वर्ड है वो जीसस दिया गया, जीसस कौन से, वो भगवान होते,
तो पहला वर्ड आपका भगवान का होगा। तो आपको यहां पे ऐसा ऑप्शन खोजना है जो यहां पे हिंदुइज्म के भगवान का नाम रहे एंड यहां पे जीसस जिस रिलीजन के भगवान है उसका नाम रहे। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रामा एंड क्रिश्चियनिटी। रामा इज अ गॉड ऑफ हिंदुइज्म एंड जीसस इज द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो अपना ये रिलेशनशिप क्या बन गया? राम इज टू हिंदुइज्म इज एनालॉगस टू जीसस इज टू क्रिश्चियनिटी। क्लियर हुआ? रामा इज टू क्रिश्चियनिटी नहीं है बाबू। समझा? चलाओ नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया इज टू कॉन्टिनेंट इज एनालॉगस टू डैश इज टू इंडियन स्टेट। अब ऑस्ट्रेलिया और कॉन्टिनेंट में ऐसा क्या रिलेशनशिप है जो आपके आंसर और इंडियन स्टेट में होना चाहिए? पता लगाओ। रिलेशनशिप क्या है ये बताओ। अच्छा सब न्यू दिल्ली बोल रहे हैं, किस खुशी में न्यू दिल्ली बोल रहे हैं जरा ये बताना। ऑस्ट्रेलिया और कॉन्टिनेंट में क्या रिलेशनशिप है जो न्यू दिल्ली और इंडियन स्टेट में होगा? पहले ऑस्ट्रेलिया और कॉन्टिनेंट के बीच का रिलेशनशिप तो खोजो। न्यू दिल्ली चलाने लग गए। ओ बीच, वाह वाह, एब्सोल्युटली नॉट लब्धी। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया और कॉन्टिनेंट के बीच का रिलेशनशिप यही है कि ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बिकॉज कैपिटल ऑफ कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया और कॉन्टिनेंट में कहां कैपिटल ऑफ कंट्री वाला रिलेशनशिप आया? गाइस आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हो, राइट? ऑस्ट्रेलिया और कॉन्टिनेंट में कैपिटल ऑफ कंट्री वाला या ये रिलेशनशिप कहां से आया? ऐसा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और कॉन्टिनेंट में रिलेशनशिप क्या है? ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। तो आपको पता करना है कौन सा स्टेट ऐसा है जो स्मॉलेस्ट स्टेट है। तो गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, गोवा। समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट आ जाओ। CA is to accounts, chartered accountant is to accounts, is analogous to CS is to what? CA और accounts के बीच में जो रिश्ता है, CS और किसके बीच में वो रिश्ता है बताओ। वेरी 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 सिंपल आंसर। CA जो है वो अकाउंट से रिलेटेड काम करता है, अकाउंट्स चेक करता है, और सीएस जो है वो कंप्लायंस चेक करता है। कंप्लायंस क्या होता है? अरे आप लॉस के साथ कितना ढंग से रह रहे हो, उसी को तो चेक करने को कंप्लायंस को चेक करना बोलते हैं। कंप्लायंस इज नथिंग बट हाउ वेल आर यू फॉलोइंग द लॉस इज कंप्लायंस। तो आपका जो सीएस है वो कंप्लायंस चेक करता है। समझ में आया सबको? ठीक है, आ जाओ लास्ट। कैंसर इज टू डैश is analogous to, heart attack is to cardiologist. Heart attack और cardiologist के बीच में जो relationship है, cancer और किस word के बीच में वो relationship आता है बताओ। वाह राजुद्दीन, very nice. मैंने पढ़ लिया, अब delete करके कोई फायदा नहीं। सुनो, रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो एक्सरे रिलेटेड काम करता है, उसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हार्ट अटैक और कार्डियोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशनशिप है? हार्ट अटैक अगर किसी को होता है तो उसका जो पूरा इलाज है वो कौन करेगा? कार्डियोलॉजिस्ट करेगा। तो हमें ऐसे डॉक्टर के बारे में जानना है जो कैंसर का इलाज करता हो। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे रेडियोलॉजिस्ट बिकॉज हमने सोचा है कि रेडियोथेरेपी हो रही होती है, राइट? नहीं, रेडियोलॉजिस्ट इज दैट पर्सन जो एक्सरे से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, कीमोलॉजिस्ट, कीमोलॉजिस्ट इज नो वर्ड, ये मैंने खुद से बनाया है। कैंसरोलॉजिस्ट, ये भी कोई वर्ड नहीं होता, ये भी मैंने खुद से बनाया है। जो डॉक्टर कैंसर को देखता है, कैंसर की बीमारी को ठीक करता है, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है,
कीमोलॉजिस्ट आपको जानबूझ के मैंने कंफ्यूज करने के लिए बनाया था, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर में कीमो लगता है, कीमोथेरेपीज होती है, तो हमको पता था कई बच्चे कीमोलॉजिस्ट बोलेंगे, बट कीमोलॉजिस्ट इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑन्कोलॉजिस्ट। क्लियर हुआ? चलिए, इसी के साथ हमारा चौथा टॉपिक भी आज का खत्म होता है। गाइज, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट 3-4 years जो मैंने एक दिन में चार टॉपिक्स कंप्लीट कराए। बहुत सिंपल थे, बट स्टिल एक दिन में चार टॉपिक्स करना इज अ वेरी 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 बिग थिंग, एंड दैट इज ओनली बीन पॉसिबल बिकॉज आप लोग इतने स्मार्ट हो। एक्चुअली आई थिंक दिस इज बाय फार द स्मार्टेस्ट बैच ऑफ सीएसईटी जो मेरे को मिला है। सो कुडोस टू यू गाइज, कीप अप द गुड वर्क। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नाउ वी आर डन विद 8 टॉपिक्स ऑल इन ऑल, एंड हम लोग अब कल मिलेंगे सेम टाइम पे, जहां पे वी आर गोना स्टार्ट विद एन एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक। कल थोड़ा बड़ा टॉपिक लेंगे, इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक लेंगे। चलेगा सबको? मजा आया आज के लेक्चर में गाइस? यहां कुछ फेस टू फेस वाले बच्चे आए हुए भी है, वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो चलो परफेक्ट, तो आज का लेक्चर तो हम लोग यहीं पे करते हैं खत्म। आप सबसे मिलेंगे हम कल सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, बाय।